तेजस्वी प्रकाश के दुश्मनों की लिस्ट में एक और नाम शामिल हो गया है और ये नाम है वीआईपी कंटेस्टेंट्स में से किसी एक का। आखिर कौन है ये, चलिए मैं आपको बताती हूँ इस वीडियो में। हेलो एंड हाय एवरीवन, दिस इज केशवी एंड वेलकम टू आवर चैनल। जी हाँ, तेजस्वी प्रकाश के दुश्मनों की लिस्ट हाल फिलहाल जो है कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है, क्योंकि तेजस्वी भी पंगे लेने में माहिर है और वो हर दिन जो है नए नए पंगे लेती रहती है बिग बॉस के घर में। और ये पंगा कोई और से नहीं बल्कि देवोलीना से हुआ है। दरअसल मैं आपको बता दूं कि सुबह ही तेजस्वी प्रकाश ने एक पंगा लिया था देवोलीना से, जहां पर देवोलीना को ये चीजें कहती हुई नजर आ रही थी तेजस्वी कि आपने जो कल का डिसीजन लिया था वो काफी ज्यादा अनफेयर था। वेल, मेरे गणपति पप्पा और ऑडियंस जो है वो देख रही है कि आखिर कौन सही है कौन गलत है। इसके बाद में देवोलीना का मुंह कहीं ना कहीं छोटा सा हो गया था और बाद में जब वीआईपी कंटेस्टेंट्स के साथ में देवोलीना बैठी हुई थी, यानी कि अभिजीत, राखी, रितेश, रश्मि और साथ ही देवोलीना, ये आपस में बातचीत कर रहे थे तेजस्वी के बारे में, तो देवोलीना रश्मि देसाई से कहती है कि तेजस्वी को कहना कि मुझसे पंगे ना ले फालतू के, क्योंकि इसका अंजाम जो है वो सही नहीं होगा उसके लिए। और जिस तरीके से वो चीजें कर रही है, मुझे समझ नहीं आता कि बिग बॉस कैसे झेलते हैं और बाहर के ऑडियंस कैसे झेलती है इन लोगों को। पहले यहाँ पर रश्मि देसाई भी मुंह तोड़ जवाब देती है देवोलीना को और कहती है कि तू यार ये सारी चीजें मुझसे क्यों कह रही है, तुझे कहना है तो तू डायरेक्टली जाके तेजा से कह, मुझसे कहने से तुझे कोई मतलब नहीं है क्योंकि मैं ये सारी चीजें नहीं करती क्योंकि तू मुझे कह रही है मैं उसको जाकर बताऊं। तो इस तरीके से चीजें जो है वो घर में हाल फिलहाल देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं देवोलीना ने अपना टारगेट सेट कर लिया है फिर से और अब वो तेजा को अपना टारगेट बनाने वाली है। वेल, तेजा और देवोलीना की फाइट्स में आप लोगों को कितना ज्यादा मजा आएगा और आप लोग किसका सपोर्ट कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर हमारे साथ भी शेयर कीजिए। बिग बॉस से रिलेटेड तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ यानी हमारे चैनल पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।